तो मेरा जो तरीका होगा वो सबसे यूनिक होगा, बिल्कुल ही डिफरेंट। आप देख सकते हो दोस्तों, आप इसकी वजह से कितना हैवी लुक हम हैंडल मोड़ते हैं, तो यहाँ पे हमें गैप मिल जाता है और वो इस बड़े वाले फ्लैप में। मुझे तो बहुत अच्छा लुक अब मेरी बाइक का लग रहा है। तो वेरी वेरी मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम है सरफराज और आप देख रहे हैं ऑल द थिंग टैंक। दोस्तों आज की वीडियो में आप लोगों को अपनी बाइक पल्सर 150 के फ्यूल टैंक पर हैंडमेड टैंक पैड बनाकर इंस्टॉल करके दिखाने वाला हूं। दोस्तों हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए, तो वीडियो को प्लीज स्किप ना करें, क्योंकि अगर आप स्किप करोगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा और वीडियो को पूरा देख। और अगर आप लोगों को कुछ समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ भी सकते हैं, मैं श्योर आपको उसका रिप्लाई दूं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक जरूर कर दें, साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें, जिससे मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और सबसे पहले आप मेरी वीडियो को देख पाएं। तो दोस्तों सबसे पहले हमें जरूरत पड़ेगी एक व्हाइट शीट की, पेंसिल की और कैंची की। ओके, सबसे पहले हम एक व्हाइट शीट ले लेंगे और उसको मिडल में से इस तरह से बराबर से फोल्ड कर देंगे। ओके, उसके बाद हमें जो भी डिज़ाइन अपनी टैंक पैड का बनाना है वो हम ड्रॉ कर लेंगे अपने हाथ से। देखिए कुछ इस तरीके से मैं करता हूँ, ये इस तरीके से। ओके, देन यूं, देन यूं, फिर यूं, अपने हाथ से ही। ओके, और फिर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अगर ये ज़्यादा बड़ा छोटा होगा थोड़ा हमें इसको बड़ा ही काटना है। ओके, ताकि अगर कुछ कमी रह जाए तो हम उसको काट छांट करके छोटा कर लें। और मैं बना चुका हूँ ये, बस मैं आपको एक पैटर्न दिखा रहा हूँ कि मैंने किस तरीके से बनाया है। ओके, अब हम इसको खोल के देखेंगे। ये दोस्तों एक्चुअली मैं ड्राइंग भी करता हूँ, तो मैं अपना ही स्केच ड्रॉ कर रहा था, उसको करते करते रुक गया, कोई नहीं। आप देख सकते हैं ये डिज़ाइन हमारे सामने बन के आया है। ओके, ये जल्दी जल्दी मैंने आपको काट के दिखा दिया है, और एक्चुअल डिज़ाइन जो है वो ये है मेरा। ओके, मैंने जो मैट शीट यूज़ किया है दोस्तों वो ये वाली मैट शीट है। ये मैंने अपने इंजन गार्ड इंस्टॉलेशन की वीडियो में आपने इस शीट को देखा होगा, तो इसी में से मैंने ये कट भी कर लिया। ये देखिए ये मैं कट कर चुका हूँ। ओके, इसमें एक साइड से दोस्तों देख सकते हैं आप स्क्रैचेस पड़े हुए हैं और एक साइड से लगभग प्लेन है। ओके, तो इसकी हम धुलाई करके इसको और भी क्लीन कर लेंगे, अभी थोड़ा सा गंदा सा दिख रहा होगा आपको। ओके, तो अब एक चीज़ और दोस्तों, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप जब आप इसको कैंची से कट करोगे तो थोड़ा रफ सा कटेगा, ये देख सकते हो। ये इसकी जो किनारियाँ हैं कहीं ऊबड़ खाबड़ सी कटेंगी, कहीं कुछ होगा। ओके, इसमें कैमरा फोकस नहीं कर पा रहा है इस तरीके से। तो अब हमारा जो वो है एक्चुअल पर्पज़ है वो इसको प्लेन करना है, तो वो हम कैसे करेंगे। तो मैंने बहुत देर सोचा, मैंने सोचा मैं पहले इसकी ब्लेड से इस तरह से मतलब छिलाई तरीके से कर दूंगा, तो वो भी टेढ़ा मेढ़ा हो गया। फिर मैंने सोचा कोई डाई पंच ला के इसकी कटिंग करूंगा, तो वो डाई पंच मैं अभी बना नहीं सकता हाँ, तो उसके लिए भी बड़ी मशीनरी की ज़रूरत पड़ेगी। तो मुझे फाइनली समझ में जो आया इसका रिज़ल्ट वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये सैंड पेपर, ये हम कई चीज़ों में यूज़ में लेते हैं, ये 120 नंबर का सैंड पेपर है, और अगर आपको इससे हल्का मिल जाए 320 का तो वो और बेटर है। ये देखिए मैं एक बार कर चुका हूँ, तो इसमें से हम थोड़ा सा ये फाड़ लेते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं इसके अंदर की, तो अंदर का जो ये एरिया है ये यहाँ तक, तो जहाँ तक आपका हाथ जाएगा वहाँ तक तो प्लेन हो जाएगा, लेकिन जहाँ आपका जहाँ की उंगली नहीं जाएगी, जिस जगह पे नहीं कर पाएगी उंगली काम, उस जगह क्या करना है, तो उसका भी सॉल्यूशन है, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा थोड़ी देर में। ओके, पहले हम इसको इसकी सारी किनारियों को रब कर लेते हैं। दोस्तों वैसे मार्केट में टैंक पेड बने बनाए मिल जाते हैं, लेकिन मुझे अपने हाथ से ही हर चीज़ को करने में ज़्यादा मज़ा आता है। मैं इसलिए खुद से ही हर चीज़ ट्राई करता हूँ, मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं खुद से ही इस चीज़ को करूँ। बने बनाए अच्छे अच्छे डिज़ाइन के अच्छे अच्छे टैंक पेड मिल जाते हैं। ओके, लेकिन फिर उन पर स्क्रैचेज वगैरह आ जाएँ तो अच्छा नहीं लगता,
पुराने से हो जाते हैं। और ये चीज़ क्या है, एक्चुअली मैं ये वेस्ट रखा हुआ था मेरे पास में, और मुझे अपने फ्यूल टैंक पे बहुत सारा सामान रख के अपनी शॉप पे लेके जाना पड़ता है, तो उसकी वजह से स्क्रैचेस नहीं आए और मेरा काम भी हो जाए, ये सोच करके मैंने इसको बनाया। बाकी कैंची से जब आप कटिंग करोगे दोस्तों, तो कुछ बातों का ध्यान रखना है। जैसे कैंची एक बार जहाँ से हमने स्टार्ट करी, मीन्स कहने का ये कि अगर हमें कैंची का पूरा मुंह खोल के लेना है और यहाँ से रखना है और एक बार में पूरा कट करके निकाल लेना है, उससे क्या होगा, बीच में कोई भी किसी तरह का निशान नहीं आएगा, बिल्कुल सफाई से कटिंग आएगी। ओके, और अगर हम इस तरीके से जैसे इतना काट लिया, फिर आगे बढ़े, फिर इतना काट लिया, फिर आगे बढ़े, फिर इतना काट लिया, तो ये देखिए पेपर में भी देख सकते हैं आप, है ना, इस तरीके से निशान आ जाता है। उसको सेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए एक ही बार में ही हम कोशिश करें कि एक ही बार में अपना पूरी कटिंग का डिज़ाइन निकाल दें। तो फाइनली दोस्तों मैंने ये सारी किनारियों को रब कर लिया है, थोड़ा मोड़ा कहीं रह गया होगा तो मैं बाद में कर लूँगा। ओके, ये भी मैं आपको शो कर देता हूँ। अब जो रह गया है दोस्तों, यहाँ हमारा हाथ नहीं पहुँचेगा, तो उसके लिए हमें क्या करना है, तो उसका तरीका ये है दोस्तों, इसको हम इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे जिस साइड से ये रबिंग का पार्ट है, और ये हमारा हो गया बाहर की साइड का, आउटसाइड का, और इस तरीके से हम इसमें ऐसे एडजस्ट करेंगे और धीरे धीरे इस तरीके से इसको चलाएंगे पकड़ते हुए दोनों साइड के हिस्से को। ये देखिए, बेस्ट होगा अगर इसके बीच में आपके पास में कुछ नुकीला धारीदार कुछ ऐसा सा कैंची टाइप का हो कुछ, तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। ये देखिए, अब इसको क्या है, ये मुड़ेगा नहीं, इससे हम लगा करके इस तरीके से इसमें थोड़ी सी इसको सहारा मिल जाएगा और हमें रबिंग करने में आसानी होगी। मैं जानता हूँ बहुत से मेरे दोस्तों का कमेंट आएगा कि इतनी मेहनत करेंगे, इससे अच्छा जा करके हम 100-150 रुपये का जा करके ख़रीद के ही लगा लेंगे। तो दोस्तों मार्केट में तो हर चीज़ अवेलेबल है, कुछ भी आप लगा सकते हैं, ख़रीद सकते हैं, बट जो अपने हाथ से बनाई हुई कारीगरी होती है उसको करने में भी मज़ा आता है, और जब लोग देखते हैं तो उसको दिखाने में भी अच्छा लगता है। मतलब मुझे वो चीज़ करने में ज़्यादा मज़ा आता है जो लोग सोच भी नहीं सकते, मतलब जो लोग करना एक टाइम पॉसिबल नहीं समझते, मुझे वो चीज़ करने में ज़्यादा मज़ा आता है। ओके, चलिए ये हमारा रबिंग का काम भी हो गया, ये फिनिश हो गया है, देख सकते हैं आप पूरा टोटल फिनिश ये डिज़ाइन बन के आया है। अब मैं क्या करूँगा दोस्तों, मैं इस पर पीछे की तरफ में डबल टेप इस पर चिपका करके फिर दोबारा से एक बार कटिंग करूँगा इसकी। ये है मेरे पास मेरा डबल टेप। और दोस्तों एक और डिज़ाइन मैं बनाने जा रहा हूँ, ये लगभग 1.5 से 2 इंच की A4 साइज़ के नीचे का हिस्सा है, इस पेपर का देख सकते हैं आप लोग, ये देख सकते हैं इस पेपर के नीचे का हिस्सा है। ओके, ये देखिए दोस्तों, ये कुछ इस तरीके से आएगा और ये हमारे फ्यूल टैंक के पास में लग जाएगा। ओके, चलिए अब इस डिज़ाइन को हम ड्रॉ कर लेते हैं अपने मैट शीट पर। ये देखिए पेन ले लिया हमने, शायद इस पर दिखाई ना दे आपको, लेकिन अगर आप गौर से देखोगे तो दिख जाएगा। ये देख सकते हैं आप लोग, ये देखें हैं ये, तो दोस्तों देख सकते हो ये मैंने डिज़ाइन कट कर लिया और इस पर ये निशान लगा दिया। ओके, अब मैं इसकी हेल्प से इसका ये बीच का पोर्शन कट करके निकाल दूँगा। तो फाइनली दोस्तों मैंने ये अपना डिज़ाइन कट कर लिया है, तो दोस्तों जो मेरे पास डबल टेप थी वो भी मैंने इस पर चिपका लिए, देख सकते हैं आप कुछ इस तरीके से मैंने इसको चिपका लिया है। ओके, अब हमें करना क्या है दोस्तों, इस पर थोड़ा सा हम नाखून मारेंगे, इससे हमें इसकी आउटलाइन का पता लग जाएगा। ओके, ये देखिए इस तरीके से शायद आपको भी दिख रहा होगा। ओके, अब क्या करना है दोस्तों, अब हम इससे पेंसिल से इसकी किनारी से थोड़ी सी हटके इस पर ड्रॉ कर देंगे। देखिए मैंने ब्लेड तैयार किया हुआ है, एक तरफ इस टाइप का है और दूसरी तरफ शेविंग ब्लेड है, तो वो शेविंग ब्लेड ज़्यादा बेस्ट है इस ब्लेड से, लेकिन फिर भी इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसको चला लेंगे। ओके, तो इससे हम इसकी कटिंग कर लेते हैं।
दोस्तों देख सकते हो मैंने इसको कट कर लिया इसकी टेप को, और मैंने ये थोड़ा सा किनारियों से अंदर रखा है क्योंकि इसका जो है ना ये टेप वाइट कलर का है और ये जब चिप पेस्ट होगा तो किनारी पे वाइट वाइट ना दिखे, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा अंदर रख के ही कट किया है। ओके दोस्तों, ठीक उसी तरीके से मैंने अपने इस छोटे वाले पर भी डबल टेप लगा ली। ओके चलिए अब इसकी आती है बारी इंस्टॉलेशन की, लेकिन उससे पहले मैं अपने फ्यूल टैंक पर एक और लेयर विनाइल की चढ़ाऊंगा। तो आ गए अपना टैंक पैड लेकर के और एक ये दूसरा वाला, इस तरीके से हम इसको इंस्टॉल करेंगे। मैंने ये बीच में एक लाइन इसके लगा ली है नाप करके। ओके ये यहाँ से इस जगह तक मैंने इंची टेप को रखा है, उसके मिडिल में मैंने निशान लगाया और यहाँ पे इसकी नोक पे निशान लगा के मैंने एक सीधी लाइन खींच दी। ठीक वही इसी तरीके से मैंने इसमें भी किया है। और दूसरी चीज़ मैंने ये किया है, ये देखें ठीक उसी हिसाब से मैंने अपने फ्यूल टैंक पर भी निशान लगा लिया है बिल्कुल सेंटर में, देख सकते हैं आप लोग। ओके अब इसको कर लेते हैं इंस्टॉल। अब पता नहीं ये अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इसे लगा रहा हूँ अपने फ्यूल टैंक की प्रोटेक्शन के लिए। ओके तो चलिए अब इसे इंस्टॉल कर लेते हैं, अच्छा लगे या बुरा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें और ना अच्छी लगे तो डिसलाइक कर दें। तो चलिए दोस्तों अब हम इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसकी डबल टेप जो है सारी ये उतार लेते हैं। ये देखिए ये सारा मैंने इसका उतार दिया है। अब हमें इसे बिल्कुल लेवल में लेकर के चिपकाना है। इसके बीच में मैंने एक लाइन खींची है और सेंटर मिडल मैंने ये लिया है। ये टेप आपने देखी होगी दोस्तों, ये बैंडेज टेप है। ये जब हम अक्सर चोट वोट लग जाती है तब बैंडेज पे लपेटने का काम जाती है। ओके तो इसको थोड़ा थोड़ा हम इस तरीके से चिपका लेंगे इसको। ये थोड़ा सा ऑड लग रहा होगा, बाद में जब ये इंस्टॉल हो जाएगा अच्छे से तब हम इसको हटा करके और चेक करेंगे, तब हम देखेंगे कैसा इंस्टॉल हुआ है। अब ठीक उसी तरीके से हम इसे भी इंस्टॉल कर लेते हैं। तो उसी तरीके से सेम इसका भी हम याद करेंगे और ये खा लेंगे और इसको देखते हुए आराम से इसको भी हम इंस्टॉल कर लेंगे। इस तरीके से यहाँ दाबते हुए आएंगे और इसको ऐसे टेस्ट करते हैं। ठीक उसी तरीके से हम इधर भी करेंगे, पहले इधर दबाएंगे फिर ऊपर की साइड हम दबाते हुए ऊपर की साइड देन इसकी नोक पर भी हम ऐसे टेप लगा लेंगे इधर 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 और यहाँ पर। आफ्टर इंस्टॉलेशन में आपको दिखाऊंगा ये सारा हटा करके। ओके अभी तो फिलहाल इतना ही रहने देते हैं, जब ये अच्छे से पेस्ट हो जाएगा चिपक जाएगा तब मैं आपको दिखाऊंगा इसको हटाकर। तो फाइनली दोस्तों आप लोगों को मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, और अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक जरूर करें। साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें, जिससे मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और सबसे पहले आप मेरी वीडियो को देख पाए। तो मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में इसी तरह से कुछ नया लेकर कुछ नई सोच के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।